अस्सलाम वालेकुम। लूज मॉट ऑफ वीट के डिजीज साइकिल को हम ड्रा करना देखेंगे। सबसे पहले ये इन्फेक्टेड वीट प्लांट है हमारे पास, ये उसकी कर्नल मेम्ब्रेन, ये उसके अंदर टीलियोस्पोर्स, आगे ये एक हेल्दी प्लांट है, ये उसके आगे कर्नल मेम्ब्रेन्स, ये उसके ऊपर ये हॉर्न्स लगे हुए हैं, अब ये कर्नल मेम्ब्रेन यहाँ से ब्रेक करेगी और टीलियोस्पोर यहाँ पे आके जर्मिनेट करेंगे और इसका हम यहाँ पे एक फ्लावर जोन सा वो आगे देख लेते हैं। ये ओवरी है, यहाँ पे टीलियोस्पोर ये लैंड करेगा। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं नहीं कर रहा, एक्सप्लेनेशन के लिए पूरा टॉपिक जोन सा वो आप प्लीज़ विजिट कीजिए। ये मोनोकैरियोटिक हाइफी और आगे ये डाइकैरियोटिक हाइफी जो के ओवरी में मौजूद है, जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो को जाके ये डाइकैरियोटिक हाइफी इन्फेक्ट करेगा। अब आगे हम इसका सीड जोन सा है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये बीज है, उसके अंदर ये ओव्यूल कह दें, और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो है उसके अंदर ये डाइकैरियोटिक हाइफी जोन से है वो इन्वेड कर गए हैं। आगे ये आपके पास कुछ इसके सीड्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कर्नल है और ये कर्नल के अंदर एम्ब्रियो आपको नज़र आ रहा है और ये इन्फेक्टेड है डाइकैरियोटिक माइसीलियम से, यानी इसके अंदर यहाँ पे आपको ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम नज़र आ रहे हैं। अब जब ये सीड आगे ग्रो करेगा नेक्स्ट सीजन के अंदर, इससे अब ये सीडलिंग निकलेगी यानी प्लांट निकलेगा। ये रूट्स, तो माइसिलियम जोन है वो इन्वेड करेगा जहाँ जहाँ ये प्लांट की ग्रोथ जा रही है, उसके साथ माइसिलियम भी जा रहा है। आगे हम देखें यहाँ पे आपको एक मुकम्मल प्लांट बना हुआ नज़र आ रहा है। ये उसके लीव्स हैं, ये बीज वगैरह बन रहे हैं। तो तमाम ग्रोइंग पॉइंट्स के अंदर आपको ये इस तरह से माइसीलियम इन्वेड करता नजर आ रहा है। इसके अगर हम ग्रोइंग पॉइंट्स को बड़ा करके देखें,
तो ये इसके अंदर सारे आप कह लें। ये सेल्स मौजूद हैं और सेल्स के अंदर इस तरह से ये आपको माइसीलियम जोन्स है वो नज़र आ रहा है। अब उस पूरे सिट्टे के अंदर आपको ये माइसीलियम जोन्स है वो इन्वेड कर रहा है, इसके तमाम पार्ट्स के अंदर, कर्नल के अंदर भी। तो अगर हम इतना सा हिस्सा अगर हम बड़ा करके देखें तो कर्नल जोन्स हैं वो टिलियोस्पोर के साथ फिल हैं, टिलियोस्पोर से भरे हुए हैं। इनके अंदर ये टिलियोस्पोर है और टिलियोस्पोर जोन्स हैं वो डाइकैरियोटिक हैं। तो ये एक मुकम्मल आगे इन्फेक्टेड प्लांट है जिसके ये टिलियोस्पोर्स हैं। और ये टिलियोस्पोर से भरे हुए हैं। तो ये थी डायग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।